जी ये हमारे पास है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया फैक्टराइजेशन का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये हमारा चैप्टर 4 बहुत ईजी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा जहन को खोल के बैठेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर बेटे आज ही आपको समझ में आ जाएगा, कंप्लीट चैप्टर इंशाल्लाह। ये हमारा चैप्टर 4 है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है, अगर मैं आपसे कहूँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता है, उसके जीरोज निकालने आते हैं, तो आधा चैप्टर आपका हो गया। और अगर आपका लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना आता है, तो फिर समझिए पूरा चैप्टर। सिर्फ ये मुझे प्रीवियस नॉलेज चाहिए, तो जिन बच्चों के पास है उनके लिए बहुत, इनके पास नहीं है तो हम यहाँ फ्रेश भी देखें। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्वाड्रेटिक और एक है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो यहाँ वर्ड है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म सब बच्चों को मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, सम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सम राइट साइड। तो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एनी इक्वेशन कंटेनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, तीन तरह के क्वेश्चंस खुल भरेंगे। पहला तो होगा, मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, 2x² प्लस 3x प्लस, मैं आपसे कह दूंगा सपोज इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही बनता है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी, और x की वैल्यू यहाँ पे यही है कि 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपने जीरोस निकाल लिए, 9th में भी सीखे थे और 10th में भी सीखे, अभी एक बार और स्टडी करें। दूसरा हमारे पास क्या आता है कि हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो हमारे जीरोस हो सकते हैं वो 2 या 2 से कम होते, तो 2 होते हैं, ये तो हमें अच्छी बात है, पता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 2 जीरो, लेकिन कम होते हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये सम टाइम ऐसा होगा कि जीरोस नहीं होंगे, ये भी पॉसिबल है कि नो जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो, लेकिन जीरोस ना हो, ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा अगर मैं आपसे कह दूं कि x² + 2 = 0। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अब मैं आपसे कहूँ जीरो निकालो, या मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू निकालो, तो x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो इसके जीरो कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके रखने से
इक्वेशन जीरो होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? नो सर। आपने यही तो सीखा है ना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं बेटे कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। तो अगर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जीरोज की बात करेंगे, और अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम रूट्स की बात करेंगे या वैल्यू ऑफ एक्स की बात करेंगे। तो आप खुद सोच के देखो, क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके रखने से ये पूरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल है या हमारे पास इक्वेशन है, क्या ये जीरो हो सकता है? नो सर। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी भी तो बताएं, क्या ये जीरो हो सकता है? जी यस सर, हो सकता है जीरो। एक्स की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें, एक्स की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसके रखने से ये जीरो हो जाए? नौमान बेटे आप ही तो बोला करो बच्चे कभी कभी। नौमान बताओ बेटे, क्या ऐसा पॉसिबल है? Is there any possible value of x? ठीक है, by putting we get zero. Is possible होगा? Yes sir. क्या? Yes. Sir, minus root two. Minus root two. नहीं होगा sir. नहीं होगा. नौमान कुछ और कहना चाह रहे हैं। अगर मैं minus root two रखूँगा तो ये sir positive हो जाएगा. That is. ठीक है, आप सब बच्चे ध्यान से देखिए actually बेटे. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, तो x का स्क्वायर बेटे हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमें क्या करना है, हमें हमें जो करना है बेटे वो प्लस टू करना है। तो पॉजिटिव में अगर प्लस टू करेंगे तो बेटे कभी भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब समटाइम्स हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जहाँ पे रूट्स नहीं होंगे, तो वो हम कंडीशन निकालेंगे। मैं आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन ही बता रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि रूट्स नहीं है, या हमें पता चल जाएगा इक्वेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा था कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, कब हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होता है, सीखा था ना, कब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कब हमारी लाइन पैरेलल होंगी, कब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी, ये सीखा था ना हमने कंडीशन से। yes, अगर ग्राफ ड्रॉ किए तो सेम बेटे यहाँ होगा कि वी हैव सम टाइप ऑफ इक्वेशंस या फॉर्मूला जिसे कह लीजिए, by putting that we can find कि either the equation has roots or not, ये चीज ये हमारे पास हो तो हम वो देखेंगे। तो उसकी कंडीशन दे देगा, sometimes से कह देगा x square plus kx, अभी मैं बता दूंगा इसी क्लास में इंशाल्लाह भी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, plus 3 is equals to 0, आपसे कहेगा find k, ठीक है, if equation has real roots, तो ये सारी टर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन होगा बेटे जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में था सम ऑफ टू नंबर इज 5, ठीक है, एंड वन नंबर द प्रोडक्ट इज 20, लाइक दिस फाइंड द नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, तो तीन तरह के हमारे पास क्वेश्चंस। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ बेटे आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, a never be zero। क्योंकि बेटे अगर a zero हो गया then square वाली टर्म जीरो हो जाएगी बच्चे, और अगर स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी तब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव वन कंडीशन, a never be zero। समटाइम प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये चीजें फिर आगे यूज होती हैं। समटाइम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू फाइंड के फॉर सम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और के की वहां पे सपोज करो दो वैल्यूज आ जाएं 0 और 5, तो उस केस में भी हम बेटे जीरो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तब हम क्या कहेंगे, द केस 5 होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? यस सर, आएगी। यस सर, तो ये हमारे पास, तो हम क्या कह रहे हैं सॉल्व करना है। तो सपोज करो मैं बहुत सिंपल सा, या जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी में से ले लूं, और वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वो छोटा छोटा सा है, सब बच्चे इंशाल्लाह थोड़ा सा भी जागते रहेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका चैप्टर आज ही हो जाएगा।
हमारे पास तीन मेथड थे टू सॉल्व द क्वाड्रिकेशन. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिकेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. फैक्टराइजेशन में भी बेटे हमारे पास दो चीजें हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ. एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है और सम टाइम फॉर्मूला भी होता है. अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही होगी तो वो भी हम फैक्टराइजेशन में ही रखते हैं. और एक अलग से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने कल डिस्कस किया था, फिर वो अलग चीज होता है. तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. फैक्टराइजेशन में बेटे दो चीजें हैं आपके पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और डायरेक्ट आइडेंटिटी. उम्मीद तो ये करूंगा सब बच्चों को आता है, नहीं तो स्टेप्स देख लीजिए बेटे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन के बेटे ओनली 3 स्टेप्स हैं, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए. हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना. पहला जो हमारा है यानी कि ए और सी को, तो 1 × 10, तो 1 × 10 इज 10. एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर आ रहा है, 1, और जो लास्ट नंबर है वो क्या आ रहा है, 10. तो सबसे पहला स्टेप ये है बेटे, सब बच्चों समझ लीजिए. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट, ठीक है. अब जो प्रोडक्ट आएगा उसको फैक्टराइज करना है. तो 10 के अगर मैं इंटीजर फैक्टर्स करूं, पहले 1 से स्टार्ट करो तो 1 × 10 आएगा, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 × 5 आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता. इंटीजर फैक्टर्स, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इरेशनल फैक्टर्स भी होंगे, वो भी देखेंगे. तो दूसरा स्टेप है फैक्टर्स करना. एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप बेटा क्या है हमारे पास, कि हमें लास्ट वाला साइन चेक करना. जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका लास्ट साइन आप चेक करें. अब जब लास्ट साइन चेक करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो प्लस होगा या माइनस होगा. जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में लास्ट साइन माइनस है, तो अगर वो प्लस है तो फिर क्या होना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू मिडिल टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म. तो ये जो आपके पास सम फैक्टर्स आए 1 और 10 और 2 और 5, इनका सम मिडिल टर्म, मिडिल टर्म नंबर्स की बात है. तो मैंने अभी तक किसी को प्लस माइनस नहीं देखा, सिर्फ लास्ट साइन चेक करना है, वो भी सम और डिफरेंस के लिए. तो यहाँ 3 है तो मिडिल टर्म सम होके 3 होना चाहिए. लेकिन अगर प्लस साइन, प्लस साइन, बट यहाँ हमारा माइनस साइन, और अगर माइनस है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू मिडिल. अब आप खुद देखो बेटे कि मेरे पास लास्ट साइन है माइनस, तो मुझे डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस जो है मेरे पास जो फैक्टर्स का है वो 3 आना चाहिए. तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 1 और 10 का डिफरेंस 3 होगा या 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा? 5 और 2. तो सब बच्चे समझ लो, तीन स्टेप हैं बेटे. अगर आपको कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ओनली 3 स्टेप 3 है. तो अब क्या होगा, अब आप सब बच्चे समझ लीजिए, मैं सिर्फ प्रोसेसर बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छा से समझ. तो 3 हमारे पास, हम 3 ना लिखे 5 − 2 लिखेंगे. एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. आज तक आपने सब बच्चों ने किया होगा, बट दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस कि हम अपनी तरफ से इक्वेशन को कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, द सेम इक्वेशन हमने नीचे लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बस हमने क्या कर दिया, 5 − 2x कर दिया माइनस 10. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, जिसे हमें कहना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है. तो 3 को 5 − 2 ही क्यों लिखा, उसका प्रोसेसर ये है लास्ट राइट साइड. तो ये हमारे पास है. अब अगर आप इस तरह से ब्रैकेट में करोगे सम या माइनस,
तो फिर आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फैक्टर प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा, दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, ये भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको पता चल जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, नाउ एक्स कॉमन सो एक्स माइनस फाइव प्लस टू कॉमन अगेन एक्स माइनस फाइव सो एक्स माइनस फाइव इज कॉमन एंड एक्स प्लस टू। तो आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो, देन आइदर वन और बोथ आर जीरो। तो फिर अगर इनको हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो x माइनस फाइव को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, और अगर x प्लस टू को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। तो ये हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा सर। यस सर जी बताए सर। एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने लिखा फाइव माइनस मतलब फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, तो मैं प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स लिखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कोई इशू नहीं, माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। लेकिन अगर सिर्फ इनका सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, पहले प्लस टू लिख रहे हैं बाद में माइनस, फिर कोई ओके सर। अच्छा अब हमारे पास दूसरा क्या है बेटे, हमारे पास दूसरा ये था कि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सब बच्चे देख लीजिए, अभी एक एक क्वेश्चन आप बच्चे सब करेंगे, हम एक एक मैं कर रहा हूँ एक एक आप करेंगे, यही हमारा बस प्रोसीजर है। तीन तरह के क्वेश्चन हमें करने, पहले सॉल्यूशन फिर व्हाट प्रॉब्लम्स और कंडीशन। तो मैं चाहूंगा कि आज आप भी इन्वॉल्व रहें क्लास में। तो हमारे पास ये है 100x² - 20x+1, बगैर कुछ कहे अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे ये मेरा 10x² है, आपको स्क्वायर ढूंढने हैं बस, और वन को मैं कह रहा हूँ बेटे वन का स्क्वायर है, और थर्ड टर्म को आप अपने आप जैसे नाइन्थ में सोचते थे 2ab, तो खुद रख के देखो 2ab, यस और नो सब बच्चे बताओ। 100x² is 10x² plus 1² minus 20x को हम लिख सकते हैं 2ab, it means what? a² plus b² minus 2ab, that is what beta? a minus b whole square, yes or no? a minus b whole square. ठीक है सर, बच्चे प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए, अच्छा लगेगा आपको। तो 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 वी हैव टू टाइम्स, यस ये बस। तो अगर हम 10x माइनस 1 को बेटे 0 रखेंगे तो हमारे पास 10x बेटे 1 आएगा और x हमारे पास क्या आएगा बेटे 1/10। तो दोनों बार सेम वाली वैल्यू आ रही है, इसको रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, इक्वल रूट्स भी कहते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/10 ये हमारे पास। तो दो हमारे पास दो मेथड हैं, एक और मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मैं आपको कराऊंगा तो जरूर, बट वो आपके एग्जाम्स में नहीं है तो, लेकिन आपको आना चाहिए, मैं सिखाऊंगा। तो ये हमारे पास है, तो सब बच्चे बताएं, थोड़ा बहुत क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। अब दो क्वेश्चन आप बच्चे करेंगे, इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। पहला तो ये वाला करेंगे आप सब बच्चे, डरना नहीं है, टांगे निकली हुई हैं, तो किसी के नाखून बड़े हों, आंखें ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो रही, तो डरना नहीं होता। चलो बताओ इसे करो सब बच्चे, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सब बच्चे करेंगे। ओके सर, मिडिल टर्म इरेशनल रूट्स की आपको सिर्फ कोई सोचना है कि जस्ट मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को, जो भी प्रोडक्ट आए उसको फैक्टराइज करिए, अगर लास्ट वाला साइन प्लस है तो सम होके मिडिल टर्म आना चाहिए, और अगर माइनस है तो डिफरेंस होके मिले, इतना सोचिए अपने आप आ जाएगा, डर निकल जाएगा। जस्ट फॉलो द स्टेप्स, शाबाश, ट्राई करो, एक मिनट है आपके पास, फिर मैं स्टार्ट। हो गया, बहुत अच्छे शाबाश, हो गया सर, बहुत अच्छे। हो गया सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, डन सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए बेटे, हमने क्या करना था, जिन बच्चों से अभी ट्राई किया पहले देख लीजिए बेटे, डरना नहीं होता है लड़ना होता है, जिसके से जितना डरो उससे उतना ही लड़ो। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट टू को बेटे 5√2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, पहला स्टेप। ठीक है, तो रूट टू टू हो जाएगा, टू फाइव जाएगा बेटे 10, प्रोडक्ट इज माई 10,
सेकंड बेटे अगेन 10 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे फैक्टर्स आएंगे 10 इनटू 1 एंड 5 इनटू 2। अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा लास्ट साइन मेरा क्या है बेटे यहाँ पे प्लस। तो अगर लास्ट साइन मेरा प्लस है तो ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं बेटे इनका सम तो 10 और 1 का सम 11 होता है बेटे और 5 प्लस 2 का सम 7 होता है। मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज माय मिडिल टर्म 7। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए बेटे 5 प्लस 7। तो मुझे 5 और 2 चाहिए। तो सब बच्चे बहुत इत्मीनान से देखें बेटे अंडर रूट 2x² प्लस अगर प्लस होता है तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत है लेकिन थोड़ी देर के लिए आदत डाल लीजिए 2-3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। बहुत इत्मीनान से बेटे अब यहां पे कॉमन लेना क्योंकि इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप यहाँ देखो बेटे पहले आपको जब कॉमन लेना होता है आपको नंबर में देखना होता है। मेरे पास एक नंबर 5 है दूसरा नंबर √2 है ठीक है। तो अगर √2 और 5 है तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है ओके। तो हम कुछ भी नंबर में कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा हमारे पास वेरिएबल में देखना है तो एक एक्स है एक x² तो एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन तो आपके पास आ जाएगा √2x + 5। ये सही है। अच्छा बीच में से हमारे पास जो है प्लीज यहाँ ध्यान रख लीजिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी बेटे बीच वाला साइन होता है प्लीज ध्यान से देख लीजिए ये बीच में एज इट इज लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है तो ये ध्यान रखना है कि लिखना है तो ये प्लस ही रहेगा और अगर ये बीच वाला साइन माइनस होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो यहाँ नंबर है 2 और यहाँ नंबर है √2 तो कॉमन जब लेते हैं कॉमन का मतलब था डिवाइड करना किसी एक फैक्टर को लेना तो 2 के फैक्टर्स सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए 2 के फैक्टर्स होते हैं √2 × √2 और हमारे पास है 5√2 तो इसका मतलब 1√2 हम कॉमन ले रहे हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हमने √2 बेटे कॉमन ले लिया तो 1√2 हमारा रह गया और एक्स रह गया और नेक्स्ट में 5 रह गया इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बात ये बेटे जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो जो इनर ब्रैकेट है वो दोनों सेम आने चाहिए विद नंबर्स एंड विद साइन। तो अगर मेरा एक ब्रैकेट √2x + 5 है तो दूसरा भी √2x + 5 ही होना चाहिए विद नंबर्स विद साइन। माइनस भी नहीं चलेगा डिफरेंट नंबर्स भी नहीं चलेंगे। फिर हम इस कॉमन इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेते हैं कॉमन ले लेते हैं जो ये सेम होता है √2x + 5 और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिख लेते हैं x + √2 = 0। तो these are our factors. अब क्या होगा √2x + 5 को बेटे अगर 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा बेटे √2x = -5 और x = -5/√2। वेरी गुड शाबाश। और x + √2 को 0 रखेंगे बच्चा तो x = मेरा आ जाएगा -2। यस और नो? -2। ठीक है ये हमारे पास सबको समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो एक क्वेश्चन और है जो आपको डराएगा। डरना नहीं है ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप करो जरा पहले 30 सेकंड आपके बाद में करूंगा स्टार्ट। शाबाश सब बच्चे चलाओ पेन जरा। 2x² - x + 1/8 = 0 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट आज आप करो शाबाश। और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें हो रही है वो टांगे जो हमारी निकली हुई है उससे बात हो रही है। तो मैं कहूंगा आप 8 को एलसीएम ले लो फिर देखो कितना जादू हो जाएगा आपके पास। तो 8 × 16x² - 8x + 1 = 0। यस और नो? अगर हो जाएगा तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे। तो अगर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो मेरे पास बहुत ही सिंपल इक्वेशन आएगी 16x² - 8x + 1
इज इक्वल्स टू जीरो. अब बताओ ये कुछ देख के नजर आ रहा है कुछ? 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4 का. और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का. और 8x क्या हो जाएगा? 2 into 4x into 1. Yes or no? Yes sir. तो ये क्या हो गया बेटे? A minus B का whole square. तो डायरेक्ट लिख दीजिए बेटे 4x minus 1 whole square is equals to 0. तब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे? 4x minus 1 and 4x minus 1. थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, 4x को रखेंगे तो 1 आ जाएगा और x को रखेंगे तो 1 by 4 आ जाएगा. तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी, रिपीटेड रूट्स. ये हमारे पास आंसर. सब बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर. ये हमारे पास थे सॉल्यूशंस. अभी एक हमारे पास दूसरा पार्ट रह रहा है, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट. अब हमारे पास क्या है बच्चे, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके चैप्टर में थे. हमारे पास इस तरह के चैप्टर क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर में, बट ये अब आपके उससे निकाल दिए. रिड्यूसिंग फॉर्म वाले, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम रिड्यूस करते थे, ऐसे ही हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रिड्यूस करते थे कुछ क्वेश्चंस को. अब वो नहीं है. ये वाला ये हमारे पास है. अब ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल डिलीट कर दिया, बट ये आपको आने चाहिए सॉल्व करने. मैं सिर्फ ऐसे ही आपके लिए बता दे रहा हूँ, इक्वेशन बना दे रहा हूँ. करना क्या होता था, एलसीएम लेना होता था बेटे, एक्स इंटू एक्स माइनस टू. जब एलसीएम कुछ ना बताओ तो दोनों को ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे, एक्स माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थ्री. ओपन दिस ब्रैकेट और नीचे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, x माइनस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री. तो x x कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, माइनस टू, थ्री से मल्टीप्लाई करिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स. अब इस टू को भी इधर ले जाइए तो आपके पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. सब बच्चे बताओ समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये क्या था, ये था रिड्यूसिंग द इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन दी होती थी, उसको रिड्यूस करना होता और आफ्टर रिड्यूसिंग आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद फिर उसको सॉल्व करते. क्लियर है सब बच्चों को? हाँ जी. ठीक है, बट अब ये आपके यहाँ नहीं है, अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो वो नहीं है, बट अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहीं पे हमारा दूसरा मेथड आ जाएगा. 3x square minus 6x plus 2. आप मुझे ये बताइए बेटे कि अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्रियांशु बेटे म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे से ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो जब आप बोलना हो बेटे तब आप मुझे. चलो देखो जी, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करिए तो क्या आप कर सकते हो? बिकॉज जब हम फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर, 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 into 1 हो सकता है या 3 into 2 हो सकता है. 6 के ऐसे फैक्टर, लास्ट वाला साइन क्या है हमारा बेटे यहाँ? प्लस. प्लस है, तो क्या प्लस करके 6 आ सकता है? नहीं. हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 6 और 1 है, तो इनका सम तो 7 आएगा, और 3 और 2 है, इनका सम 5 आएगा, बट हमें तो सम करके 6 लाना है. सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर. सारे बच्चे, सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व आए, ठीक है? क्योंकि अब इसको मिडिल टर्म से नहीं कर सकते बच्चे, कर सकते नहीं ना, क्योंकि आपके पास फैक्टर्स यही है 6 और 1 और 3 और 2, इंटीजर फैक्टर्स, इरेशनल फैक्टर्स की यहाँ जरूरत नहीं है. तो अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा सा वो दिया हमें और फिर हम इसको ड्राइव कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. चलो ड्राइव ही कर लेंगे, इस फॉर्मूले को ले आते हैं कैसे ये होता है. और ये था हमारा एक्चुअली होता, चलो ये भी बता दे होता क्या है. जैसे अभी हमने लिया था टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो,
तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन में कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी मेथड को मैथमेटिशियन ने ड्राइव किया, ठीक है, जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मेथड हैं, किसी मैथमेटिशियन ने ड्राइव कर दिया, बस उसी के नाम से क्रिएट हो गया। तो उन्होंने भी करा कि अगर हमारे पास इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सब बच्चे थोड़ा सा जाग जाओ, देखो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह करे आप लोगों में से भी कोई मैथमेटिशियन बने, साइंटिस्ट बने, कुछ नया सा दुनिया को देखे जाए और आप कर सकते हो सब, अपने ऊपर अगर आप यकीन करोगे, कुछ ऐसी चीज देखे जाओ कि दुनिया मतलब हमेशा आपका नाम माशाल्लाह रहे। देखो तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी को हम कैसे सॉल्व करें। तो मैथमेटिशियन ने यही सोचा कि अगर इसको हम कम्प्लीट स्क्वायर बना दे तो ये इजीली सॉल्व हो जाए, तो इसी को कहते थे कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, स्क्वायर में। वो हम कैसे करेंगे, वो हमसे देखना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, होता क्या है, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखो। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टर्म है जिसमें स्क्वायर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, और मेरे पास एक टर्म है जिसमें x आ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी एक टर्म x स्क्वायर वाली है और दूसरी टर्म 2xy वाली है, तो मेरे पास y स्क्वायर नहीं है, और जब तक y स्क्वायर नहीं है तब तक ये x प्लस y का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये सोचा गया कि ऐसे हम कर सकते हैं क्या, तो जरा आप सब बच्चे ध्यान से देखो। अब अगर मैं कहता हूँ कि ax स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है, और फॉर्मूला तभी बनेगा जब होल स्क्वायर हो, तो यहाँ से a को हटा दे, तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय a करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। सब बच्चे बताइए, अगर मैं इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरी इक्वेशन ऐसी ही नजर आएगी? यस सर। यस गुड। अब अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आएगी, तो मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास x स्क्वायर है, ये वाला x square, right side में formula देखते रहना, और मेरे पास 2xy में इसको मान लेता हूं, b upon ax को, मेरे पास सिर्फ y नहीं है, तो y मुझे यहीं से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं b upon ax को 2xy मान रहा हूं, बेटी 2xy, तो अगर मैं b upon ax को 2xy मान रहा हूं, तो मैं x को x से कैंसिल कर सकता हूं, इस 2 को मैं नीचे ला सकता हूं, तो ये हो जाएगा b upon 2a, तो इसको मैं y कह सकता हूँ। सब बच्चों को ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ज्यादा ध्यान पे जोर नहीं डालना। तो मेरे पास y आ गया, अब मुझे y का स्क्वायर करना है, तो अगर y का स्क्वायर करना है तो इक्वेशन में तो है नहीं, तो हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, मतलब b अपॉन 2a स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब सब बच्चे अब ये सब बच्चे अगर आप देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इतना अच्छा सा हमारे पास बन के आ गया। एक्स स्क्वायर इस बी अपॉन ए टू एक्स को देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टू इंटू एक्स इंटू बी अपॉन टू ए, मैंने वाई बी अपॉन टू ए को माना है। जरा खुद बताओ मुझे सब बच्चे, क्या टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या, अगर मैं करना चाहूं? Yes, sir. तो फिर क्या रह जाएगा, बी अपॉन ए एक्स, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया अपनी तरफ से, और b अपॉन 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस c अपॉन a जो हमारे पास था वो एज इट इज हमने लिख दिया, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू 0। दो स्टेप लिए हैं, a से डिवाइड किया है, और मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो भी मेरे पास यहां है b अपॉन a उसका हाफ एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, ऑलवेज हाफ आएगा, तो लेकिन ये हाफ करने से, एड सब्ट्रैक्ट करने से आप खुद देखो, क्या ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये बॉक्स में जो मैं कह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यस और नो? यस सर। तो इसे कहते हैं बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर,
और जो भी टर्म्स हमारे पास रह गए बेटे उन्हें राइट साइड ले जाओ और आपका आंसर आ गया। तो राइट साइड आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटे बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। राइट साइड में बेटे एलसीएम लेंगे फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ तो बी स्क्वायर ही रहेगा माइनस, इधर हमारे पास ए है और नीचे हमारे पास फोर ए स्क्वायर है तो एक्स्ट्रा हुआ फोर ए, फोर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा फोर ए सी, और लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर। मजे मजे में देखते रहिए, डरिए मत, कोई ही डेरिवेशन भी बहुत कम है, उम्मीद नहीं है क्योंकि अब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही खत्म हो गया तो डेरिवेशन भी नहीं आएगा। नई चीज सीखने के हिसाब से देखते रहिए, स्लो अगर देखना होगा तो वीडियो बनी रही है, बाद में चेक कर लें। अब अगर हम अंडर रूट ले लें बेटे तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा बेटे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे फोर ए का अंडर रूट हो जाएगा, फोर का अंडर रूट टू होता है, स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है। अब ये जो बी अपॉन टू ए है इसको इधर ले जाएंगे तो यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है बच्चे, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब क्योंकि बेटे दोनों में टू ए है तो टू ए को हम एलसीएम ले लेंगे एंड फाइनली वी हैव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास अभी फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो यहां से आता है बच्चे ये फॉर्मूला। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, 5-10%? मैं 100% के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% के लिए नहीं कह रहा हूँ किसी बच्चों को 100%, मैं तो सिर्फ ऐसे ही एक रफली आइडिया कि कैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो खैर अब सिर्फ आप इस पे फोकस करिए, ज्यादा डरिए मत, इस पे फोकस करिए कि अगर हमारे पास बेटे इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू होती है जो मैंने ऊपर लिखी है, तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय प्लेसिंग ए बी सी। समझ में आ गया कुछ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारे पास है। अब मेरे पास क्या था, इक्वेशन थी जो हमने अभी ऊपर लिखी थी, इक्वेशन था बेटे हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। अब इस मेथड से हम सॉल्व करें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जब तक आपको याद नहीं होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये बेटे हमारा एक्स होता है। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताएगा मेरा ए कितना है इस इक्वेशन में, थ्री थ्री, और बी कितना है माइनस सिक्स, यहाँ बेटे ध्यान रखना है विद साइन, और सी कितना है टू, तो बस बेटे वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो एक्स कितना होगा बेटे माइनस बी, और बी बेटे माइनस सिक्स है तो माइनस माइनस सिक्स आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये बेटे एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर अगेन बेटे माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए मेरा थ्री है बेटे सी मेरा टू अपॉन टू ए, ए मेरा थ्री है। सब बच्चों को बताओ वैल्यू समझ में आई, फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आए या ना आए बेटे, लेकिन आपको प्लेसिंग समझ में आना चाहिए, अब फॉर्मूले को यूज करना समझ में आना चाहिए, तो ये ध्यान से। सर एक बार रिपीट कर दो जी, अभी करेंगे बेटे, अभी करेंगे बेटे। तो माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया बेटे, प्लस माइनस ये हो गया 36, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे बेटे, अभी फोर थ्री जा 12, 12 टू जा 24 अपॉन 6, ये हमारे पास है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया बेटे 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 कितना हो गया भाई, पता नहीं बादल, बेटे म्यूट करो अपने आप को, बादल सैनी थैंक यू बेटे, सब बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज अगर आप, तो ये हमारे पास आएगा, तो एक बार प्लस लेते हैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 3 जा 12 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 6,
तो आप ऊपर से नीचे से टू कॉमन ले लीजिए, थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, ये हमारे पास है। तो आप क्या करो, एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में, ये आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया? यस सर। गुड, देखो अब एक क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन लिखे आप फॉर्मूले से। सब बच्चे बहुत सुकून से अपने आप करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जैसे फॉर्मूला बता रहा हूँ। सब बच्चे कॉपी पे करिए, इसको सॉल्व करिए। 2x² प्लस x माइनस 4, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। सॉल्व करो सब बच्चे इसको। हो तो गया, जी बेटे आंसर आ गया। हो गया सर। टाइम ये क्या हो बेटे, सब बच्चों से नहीं आया? डन सर, हो गया। हमारे पास क्या है बेटे, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस डी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मतलब। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस वन प्लस माइनस, अब यहां आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 16, 2 32 प्लस 1 33 बाई 4, यही हमारा आंसर है बस, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ आप लिख सकते हो माइनस वन प्लस रूट 33 बाई 4 एंड माइनस वन माइनस रूट 33 बाई 4, सिर्फ आप लिख सकते हो बस इतना सा। इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर, बच्चों को समझ में आ गया? डन, आ जाओ। अब देखो एक नई चीज, शाबाश, अब एक नई चीज और देखो सब बच्चे जरा ध्यान से। अल्लाह,
हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है, सब बच्चे ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सब बच्चे जीरो ही जीरो है। नाम क्या है तुम्हारा अहमद, तुम जो अहमद दिखा रहे हो अपना, ग्रुप में से कोई भी किसी को लिंक शेयर नहीं करेगा। अगर कोई इस ग्रुप में से आ रहा है तो उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, कर तो मैं इनकी भी आइडेंटिटी निकाल के कर लूंगा कौन किसकी आइडेंटिटी है, लेकिन आप लोग प्लीज किसी अपने दोस्त को किसी और ग्रुप में शेयर नहीं करें, ये ध्यान रखें। और स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि अपने क्लासमेट्स को ही ज्वाइन कराएं, और कोशिश करें सारे बच्चे स्कूल वाले ज्वाइन कर लें, फैमिली वाले बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के भी शेयर करा सकते हैं अगर नेट की प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, बट कोई भी बेकार एलिमेंट क्लास में ना हो, जो तो हैंडल करना तो आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस होता है, इस चीज़ का ख्याल। आइए एक नई चीज हम सीखें बेटे, कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने अभी कहा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये हमारे पास सब बच्चे जरा ध्यान से देखो। तो होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था x स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अगर इस 6 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा बेटे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होता बेटे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटे, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट, जो नोमान ने एक बार कहने की कोशिश भी करी थी कि सर अंडर रूट माइनस 2, तो माइनस रूट टू नहीं होता, अंडर रूट माइनस 6 होना चाहिए, तो माइनस 6 का रूट आएगा। ठीक है, रूट किसका आएगा, माइनस 6 का। तो ये बस, लेकिन ध्यान रखना बेटे रूट के बाहर तो मैं माइनस लगा सकता हूं, रूट के अंदर माइनस अभी तक हमने आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह 11th में। तो फिर ये जो हमारे पास अंदर वाले वैल्यू होती है माइनस में, इसको हम रियल नंबर नहीं कहते, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, उनका स्क्वायर होता है पॉजिटिव। और हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नहीं, स्क्वायर जो है एक्स का वो माइनस 6 होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है रियल नंबर्स में, और अगर स्क्वायर नेगेटिव है तो दीज नंबर आर नॉट रियल। अभी फिलहाल आप नॉट रियल ही पढ़िए, अदरवाइज इनको इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे इमेजिनरी नंबर्स। वी आर, जिसे कहना चाहिए, वी कैन इमेजिन देयर आर सम नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है बेटे, इसकी हम बात करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये कह रहे हैं कि अंडर रूट माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो यही मेरी कंडीशन है कि भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहते हैं या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तभी हमारे रूट्स रियल रूट्स होंगे, तभी हम फैक्टर्स कर पाएंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हमारे पास ये नेगेटिव होगा तो फिर हमारे रूट्स रियल नहीं होंगे, नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, तब हम कहेंगे नो रियल रूट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं,
कि जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है वो हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का एक नाम रखा गया, इसको कहा गया डी। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इस डी को कहा गया डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहा है नेचर रूट्स को, रूट्स की नेचर। तो अब हम क्या कहते हैं, अब इसको शॉर्ट में कह देते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास d है, और d कौन है, d है b स्क्वायर माइनस 4ac। हम कहेंगे कि अगर d हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़ा है, तो हम कहेंगे इक्वेशन है रियल रूट्स। ठीक है, और अगर हमारे पास d नेगेटिव है तो हम कहेंगे नो रियल रूट, मना कर देंगे, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, आगे छोड़ देंगे क्वेश्चन। दूसरी बात क्या है, अगर हमारे पास d मोर देन इक्वल टू जीरो है, इसकी भी दो पार्ट कर देते हैं। दो पार्ट क्या कर देते हैं कि इफ d इज पॉजिटिव मोर देन जीरो, तो अगर मोर देन जीरो है तो रूट में एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर रहे हैं, तो रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, दो रूट्स आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रूट्स होंगे। लेकिन अगर d हमारा जीरो आ जाएगा तो फिर प्लस माइनस करने से कोई फायदा नहीं होगा, उस केस में दो इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन हो गई बेटे, ध्यान से देख लीजिए, अब ये आपको समझना है। इस पे दो क्वेश्चन सिर्फ आपके चैप्टर में दिए हुए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना लिख के सिर्फ डी से काम चला देंगे, छोटा सा हो गया हमारा फॉर्मूला। और हमारा डी क्या है, डी हमारा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अगर हमारे पास डी पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी इक्वल्स टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर डी हमारा लेस देन जीरो है तो नो रूट, नो रियल रूट्स। ये मेरे पास, और अगर सिर्फ रियल कह दिया गया कभी भी क्वेश्चन में आ गया तो दोनों आएंगे, ध्यान रखना रियल, ओनली रियल अगर टर्म यूज कर रहा है। ये हमारे पास, तो देखो जरा इस पे सिर्फ छोटे से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पूरे चैप्टर में, तो समझने की कोशिश कर। बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में आ चुका है आपका, अगर स्कूल का एग्जाम होगा चैप्टर फोर आ रहा होगा तो ये जरूर आएगा। ये मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमारे पास क्या है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 2x, बहुत सिंपल है बेटे, दो लाइन भी बहुत मुश्किल से। हमसे कह रहा है फाइंड k, जैसे हम चैप्टर 3 में कर रहे थे वैसे। इक्वेशन हैज, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, कोई बच्चा बताएगा अगर किसी को याद हुआ हो, इक्वल रूट्स कब होते हैं, यस यस, बस इतना ही लिखना है, फोर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू जीरो। आप डी लिखना चाहें डी लिखते, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी तो क्योंकि आप ही को समझा रहा हूँ तो अभी तो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। कोई बच्चा बताएगा मेरा v क्या है यहाँ पे, k बेटे, और a क्या है यहाँ पे, टू, और c क्या है यहाँ पे, थ्री। बस क्वेश्चन खत्म, k स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो फोर टू जा एट थ्री जा 24, ये इधर बेटे राइट साइड चला जाए, और जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 24, यही बेटा आंसर है, बस इतना सही करना।
सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया जी? सर आया जी, सर आ गया। यस सर। चलो एक आप जी बताए सर, इसमें k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। बेटे 24 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कर लो, क्योंकि 24 4 6 का होता है ना बेटे, अगर आप लिखना चाहो तो लिखिए। 24 होता है बेटे 4 6 का 24, 4 का रूट आप ले सकते हो 2 रूट 6, 24 भी लिख दोगे कोई प्रश्न। एक बार ये प्लस माइनस हो जाएगा और फिर एक बार माइनस का हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है ज्यादा, इसमें दो अलग अलग तीन अलग। चलो एक क्वेश्चन करो शाबाश, ये एग्जाम में आया था, सेम कंडीशन के लिए इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो बताओ जरा। सब बच्चे बताओ शाबाश, ये हमारे पास क्वेश्चन अभी भी सेम है, फाइंड के, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड के इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और यहां तो बी मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, बी है सर, बी है सर, ढूंढना पड़ेगा तो बी कौन कौन है। सर ये के एक्स स्क्वायर उसे सॉल्व कर देंगे, इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ठीक है? सब बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये जो ब्रैकेट दिया है इसको सॉल्व करिए पहले। तो आपके पास इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, इक्वल टू जीरो और इक्वल रूट्स, सीधा सीधा सा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यस सर नो? जी सर। ठीक है यस सर। तो क्या हो जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 4k कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा k माइनस 6। तो अब आपके पास बेटे ध्यान से देख लीजिए, टू फैक्टर्स, एक 4k है और एक k माइनस 6, तो दोनों को जीरो रखेंगे। 4k को जीरो रखोगे बेटे तो k की वैल्यू 0/4 जीरो आएगी, और k माइनस 6 को जीरो रखोगे बेटे तो k की वैल्यू 6 आएगी। यस सर नो? ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बताया था शुरू में बेटे, k कहाँ पे है हमारा, कोई बच्चा बताएगा मुझे k कहाँ पे है? ये हमारा है a की जगह, तो क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं सर। बताया था ना आपको, जब मैं आपसे बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आंसर क्या है बेटे? सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारे पास तरह के क्वेश्चन है, ठीक है? ये दो क्वेश्चन आपके पास हो गए अभी तक, तीसरा तो हमारे पास सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, वो तो बस का नहीं खत्म है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने उसे डिस्कस कर ली थी ऑलमोस्ट, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, वर्ड प्रॉब्लम कोई बच्चा चाहता हो डिस्कस करना? आज आपका होमवर्क भी यही है कि अब आप सारे क्वेश्चन करें, कल इंशाल्लाह हम इसको फिनिश करें। चलिए मैं सारी स्टार्ट करा दीजिए जी, 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन मैं सारी करा दिया, खत्म ही करते हैं। फर्स्ट मैंने करा दिया था, सेकंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं फर्स्ट को भी एक बार और लेता हूं। आप सब बच्चे देखो, बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है लीनियर और क्वाड्रेटिक में, तो मैं वो भी खत्म करता हूं आपका डाउट। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था बच्चों को, रहता भी आप सब बच्चों को, कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि लीनियर इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे हम कंपेयर करेंगे? देखो जरा ध्यान से आप सब बच्चे प्लीज, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो पहली बात तो ये है, मैं रफली लिख रहा हूँ कि रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है, और इसका एरिया जो है
वो 528 है, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, लेंथ जो है वन मोर है तो वन प्लस है. ट्वाइस इट्स ब्रेथ है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, मुझे लेंथ निकालनी है और मुझे ब्रेथ निकालनी है. ठीक है भाई, यही है ना क्वेश्चन? सर बोलो ना, जागा करो ना. सर यस सर. 40 मिनट के बाद आप लोगों की आवाज आनी बंद हो जाती है, हद हो गई. ये एनर्जी आप लोगों की? नोमान? नहीं सर, एनर्जी बहुत है सर. है भाई नोमान? Yes. नोमान को तो मना कर दीजिए. नोमान तो कहते हैं सर 40 मिनट के बाद बहुत हो जाता है. भाई नोमान नहीं सर. नहीं ना, आपकी उम्र में हम माशाल्लाह अपने कस्बे के कम से कम 20-25 चक्कर काटा करते थे सुबह से शाम. 30-40 बच्चे होते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी गांव में जा रहे हैं, कभी स्कूल में जाते थे 3 किलोमीटर पैदल. तो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, फिर वहां भी पूरा वो करना, मस्ती लेना, फिर घर आना, फिर वहां खेलना पढ़ना, ये सारी चीजें. और शाम को फिर माशाल्लाह थके सोते थे पूरे बेहतरीन वाले. आप लोग पता नहीं कैसे सुबह उठेंगे तो भी थके हुए होते हैं, शाम में तो अल्लाह ही रहमत है. नहीं भाई ऐसा कुछ है? आ जाओ देखो. देखो बेटे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है लीनियर क्वाड्रेटिक है. तो सर ठीक है, टू वेरिएबल स्टार्ट कर देते ना. लेट लेंथ बी एक्स, ब्रेथ बी वाई. एरिया मेरा जो होगा वो दिया हुआ है, ठीक है, 528. ये पहली कंडीशन है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये मेरा केस वन था. इसका मतलब हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 520. यस और नो? सब बच्चे बताओ यस सर. यस सर. है ना भाई, हमें पता नहीं कि लीनियर है क्वाड्रेटिक, सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है. कोई बात नहीं, आप टू वेरिएबल से स्टार्ट करिए. अगर ये लीनियर इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन देगा लास्ट में, और अगर क्वाड्रेटिक होगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक में खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा. तो पहला आपने कह दिया एरिया से तो एक्स वाई 528. दूसरा आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा था कि लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. यस और नो? यस सर. यस सर. अब जरा इस एक्स को वन में रखना, यही तो करते थे ना हम, सब्स्टिट्यूट करते थे. तो यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पुट इन वन. तो अगर हम बेटे एक्स की वैल्यू को 1 + 2y रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स को हमने रख दिया अभी थे 1 + 2y. y हमारा पहले से y है इज इक्वल्स टू 528. तो देखो क्या आया, y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528. तो फिर क्या आया बेटे, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0. यस और नो? यस सर. सब बच्चे बताओ. yes, बात समझ में आई? Yes, तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटे कि टू वेरिएबल क्यों लिया नहीं सर ने, वन वेरिएबल कैसे. जैसे समझ में आ रहा ले लो, बट स्टेप्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो दिया हुआ बिल्कुल उसी तरह से, वहां गलती नहीं होनी चाहिए. ये हमारे पास था. देखो अब दूसरा लेंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते. वो तो आपकी चॉइस है, माशाल्लाह आप प्रैक्टिस करो कि आपको मिडिल टर्म से करना है, फॉर्मूले से करना है, वो अब आप देखो. देखो शाबाश, ये वाला देखो. बट अब आपको करनी है प्रैक्टिस, अब जागे थोड़ा सा आप लोग घर पे किया कीजिए. ऐसे नहीं कि बस आज क्लास हो रही है और फिर कल ही आप मैथ्स की बुक खोल दो, मजा नहीं आएगा. ये हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. बहुत सिंपल इक्वेशन है बेटे. अगर लीनियर इक्वेशन की हम बात करें उसके कंपेरिजन बहुत सिंपल है. सब बच्चे ध्यान से मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट जैसे जैसे कह रहा है तो ये है बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू. तो ये टू मैंने ले लिए ब्रैकेट. अब मुझे बताओ यहाँ कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स और एक्स माइनस वन भी ले सकते हैं, एक्स और एक्स प्लस वन भी ले सकते हैं. शाबाश. अगर आपसे कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपने एक को एक्स लिया तो कॉन्जिक्यूटिव एक्स माइनस वन भी कंसिडर कर सकते हो, एक्स प्लस वन भी. ध्यान रखना बेटे सब बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो अगर इवन देता तो फिर आपको इंटीजर्स लेने थे x एंड x प्लस टू, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में 2 का गैप हो जाएगा. अगर ऑड कहता तब भी 2 लेना था. ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर. यस. तो आप देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन थी. तो अगर आपने एक को x लिया तो x प्लस वन दूसरे को लिया, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 306. देखो इक्वेशन बन गई आपकी.
x square plus x minus 306 is equals to 0. Yes or no? Yes sir. इतना सा इजी था सबको समझ में आ गया तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1 given x into x plus 1 is 306. कितना सा सॉल्यूशन लिखना है बेटे बस क्या हो जाएगा x square plus x minus 306 is equals to 0. सॉल्व आप करेंगे ठीक है नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे ठीक है समझ में आया yes sir एक और एक और सर इक्वेशन बना के छोड़ देनी है ना नहीं जी सॉल्व करना है जी सॉल्व करना है जी सॉल्व छोड़ तो मैं आपके लिए रहा हूँ कि आपको x निकालना आना चाहिए अगर नहीं आया सॉल्व नहीं हुआ तो कल आप पूछ सकते हैं नॉन जैसे मुझसे सॉल्व नहीं हाँ भाई रोहन मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम ठीक है तो यहाँ पे फिर वही बात रोहन x plus 26 ठीक है भाई 26 year older than him का मतलब है 26 years plus Rohan age yes or no yes sir sir yes sir आपसे कह रहा है the product of their ages जैसे question लिखा है वैसे ही तो पढ़ना है the product तो product कर रहे हैं of their ages का मतलब x into x plus of their ages का मतलब mother age है ना भाई और Rohan age उनकी एज का प्रोडक्ट कह रहा है विल बी 360 का मतलब इज इक्वल टू 60 बट यहां क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल बाद की बात कर रहा है तो प्लस 3 तो ये क्वेश्चन है अब देखो इस कंडीशन से लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं लेट मैंने आपसे कहा है आप यहां ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे अब भी आप कर सकते हो रोहन की एज को एक्स ले सकते हो मदर की एज को वाई ले सकते हो टू वेरिएबल में स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली इक्वेशन फाइनली क्वाड्रेटिक आ जाएगी अदरवाइज आप सिर्फ वन वेरिएबल में कर सकते हो और जब वन वेरिएबल में आपको करना हो बेटे तो हमेशा ध्यान रख लीजिए जो राइट साइड होता है उसको सपोज करते हैं तो राइट साइड हमारे पास कौन है राइट साइड हमारे पास है रोहन एज ये रोहन तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट रोहन करंट एज is x mother age kyun bhai 26 plus x yes or no theek hai after 3 years kyunki abhi koi relation nahi de raha hai after 3 years ki baat kar raha hai to chahe to aap equation likh do product chahe aap bata do ki after 3 years kya hoga to after 3 years x plus 3 or 29 x plus 3 और मदर की एज है x plus 29 और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 यस और नो तो क्या हो गया x square plus 29x plus 3x plus 87 is equals to 360 तो x square और 29 और 3 32x और 360 87 minus 360 260 कोशिश करेंगे सब बच्चे आज के लिए इतना ही है इंशाल्लाह कल को आप लोग इसको कोशिश करिएगा ठीक है कल को आप लोग